कुकर में तंदूरी रोटी कैसे बनाई जाती है। पहले देखो, मैंने एक आटे का बड़ा सा पेड़ा लिया, भारी पेड़ा लिया, और उसको फिर देखो उसमें हल्का सा नमक डाला और उसमें हल्का सा तेल लगाया। तेल इसलिए लगाते हैं कि थोड़ी सी रोटी नरम रहे। फिर मैंने उसी आटे की एक लोई बना ली ऐसे करके, देखो। अब फिर उसको मैंने ऐसे रोल किया, ये देखो ऐसे, ये देखो। अब फिर उस आटे को मैंने बेल लिया ऐसे करके। कुकर मैंने पहले ही गर्म कर रखा है, ये देखो ऐसे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे हम, हाथ गीला करेंगे। एक साइड मैंने चपाती की भी गीली कर ली है, जो गीली साइड है वो मैंने कुकर से लगा दी ऐसे, ये देखो ऐसे। अब मैं कुकर को उल्टा गैस पे मध्यम गैस करके थोड़ा 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे। नान बन गए कुकर में। अब हम इसे चिमटे की सहायता से उतार लेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का सेक लेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का गैस पर सेक लेंगे, ये देखिए। ये हमारे कुकर वाले नान तैयार हो गए हैं। अब हम इस पे घी लगा के दाल मखनी मैंने पहले ही बनाई हुई है उसके साथ खाएंगे। ये देखिए कैसे अच्छा पोट वाली जरा बन रहा है। तैयार हो गई है, और जो हमने कुकर पे तंदूरी नान लगाए थे इसमें बटर लगा दिया हमने ऐसे ऐसे करके। अब उसको ऐसे ऐसे कर लो कि नरम थोड़ी सी हो जाए। और हमने पुदीने की चटनी भी बनाई हुई है, ये देखो। ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कर लो, थोड़ी सी नरम हो जाएगी और फिर मक्खन भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। चलो ये देखो हमारी तंदूर की रोटी दाल मखनी और चटनी के साथ।